और जहलम बागनगर चर्च की तरफ से अपनी जहलम की सारी कलीसिया की तरफ से एक बार फिर आपको सलाम पेश करता हूँ ताकि सारा जलाल खुदावंद के नाम को मिले। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का जिससे मुनासिब जाना जिसका मनसूबा था यहाँ पर खुदा का कलाम सुना सकूं और अपने सीनियर पास्टर शमौन यकूब का और सारी चर्च बॉडी के लिए जिन्होंने ये एहतमाम किया ताकि खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले और आप सब बहन भाइयों का जो यहाँ पर आए हैं ताकि खुदा की जिंदा आवाज को सुने और सारा जलाल यीशु मसीह के नाम क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है। और आज का मजमून आज के मुकद्दस कलाम का जो अनुमान है वो मैरिज पर है शादी पर है। आज हम खुदा के कलाम में सीखें क्या जो बाइबल मुकद्दस में शादी के बारे में खुदा का कलाम सिखाता है क्या हम वैसी जिंदगी गुजार रहे हैं या हमारी जिंदगी दुनियादार लोगों की तरह। आज मेरे साथ देखिए खुदावंद के मुकद्दस कलाम में खुदावंद के मुकद्दस कलाम में आज हम सीखेंगे रैश किताब है उसका दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानिंद बनाऊंगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदावंद की खास बरकत हो बैठ जाए खुदावंद आपको बरकत दे। अच्छा नहीं है हम जानते हैं कि खुदा ने 6 दिन के अंदर सारे काम को मुकम्मल किया और जब पहले दिन काम किया तो खुदा ने देखा जो पहले दिन काम हुआ और खुदा ने कहा अच्छा है दूसरे दिन अच्छा है और 6वें दिन जो काम हुआ अच्छा है लेकिन अच्छा क्या नहीं है आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। हालेलुया आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है और मुकद्दस कलाम हमें सिखाता है खुदा ने कहा मैं उसके लिए एक मददगार मेरे भाई सुन लीजिए और जहां जहां ये खुदा का कलाम पहुंच रहा है वो भी सुने 2-3 दिन की गल नहीं हुई है एक मददगार उसकी मानी उस जैसा वो खूबियां उसकी मानिंद एक मददगार बनाऊंगा। और फिर खुदा ने देखा बाइबल मुकद्दस ने लिखा है और खुदा ने कुल दैशी जानवर और हवा के कुल परिंदे मट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे और उनके क्या नाम रखता है और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वो ही उसका नाम ठहरा और आदम ने कुल चुपाओं हवा के परिंदों और कुल दैशी जानवरों के नाम रखे पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी नाम ना मिला जैसा वो था वैसा नहीं मिला उसकी नाम कोई मददगार ना मिला और खुदावंद ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया। जानवरों को देखा सारे जो तकलीफी काम खुदा ने किया और खुदा ने देखा आदम की मानी कोई नहीं है फिर खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी उसकी पसलियों में से एक पसली को निकाल लिया और उससे बनाया हवा को। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब हम ये खुदा का कलाम सीखते हैं एक औरत बनाकर उसके पास लाया और उसने कहा ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी है और मेरे गोश में से गोश है। वो आदम फौरन पहचान गया आज 20-20 साल शादियां हो जाने बंदा जनानी भी पहचान जनानी को फौरन वो पहचान गया ये तो मेरे जैसी है ये तो सेम मेरे लिए बनी है। ग्रीक बाइबल में लिखा है वो इतना खुश होया कि दौड़ा नजर आने लग पी अज जनानी को एक बार चार दिन
जन्म दिया, खुश हो गया। इंतहा से ज्यादा ये तो मेरी मददगार है, ये तो मेरी सपोर्ट के लिए। और वाकई हकीकी मानों में मनो या ना मनो, बीक वाकई आपकी मददगार है। आपको गुनाह से प्रोटेक्ट कर दिया, आपके प्रोटेक्शन के लिए हर मामला आपके अंदर के लिए आपका साथ देता है। अगर देख दिया शोर की सैलरी तो मैं ड्यूटी करने शुरू कर देती घरों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर, ताकि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो। वो बाहर का भी करती है, घर का कैसे पता की कहने करते सारा दिन की रहने है? हमारी हालत ये है, अगर खुदा ने मददगार बनाया है तो ये वाकई मददगार है। हकीकी मानों के अंदर हर लिहाज से आपकी मदद करती, हर लिहाज से आपकी प्रोटेक्शन के लिए। और लिखा है खुदा ने पसली ली, खुदा और भी मट्टी थी और मटीरियल से भी खुदा बना सकता। खुदा ने वहां से पसली क्यों ली? ताकि इनके अंदर मोहब्बत हो, ताकि इनकी हमाहंगी हो, ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारे। और खुदा ने दोनों को कहा बढ़ो फलो और जमीन को मामूरो मोकम करो। आज घरों में जरा सा झगड़ा हो जाए पावरी आते ने तू की लगनी बच्चे की, बच्चे तो मेरे हैं, है? बच्चे तो मेरे मददगार है ये हर लिहाज के अंदर। और वो मार खाकर भी जब हम हॉस्पिटल में बहन आई तो नजर आ रहा सी सिर पाड़े बंदे खून बह रहा सी, पुलिस केस उन्होंने कहा भाई क्या छोड़ लगी है, किसी ने मारा है? तो भैन की कह रही है नहीं मैं फर्श तो दिया देख भाई क्या ये मददगार नहीं है। वो मार खाकर भी सह किया फिर भी आपसे मोहब्बत करती, ये लाजम है। और इसी की करने हैं मेहमान बैठे हो, रिश्तेदार बैठे हो, तो बड़ा अच्छा तारुफ है साडा, हम सभी ऐसे हो। ऐ मेरा भरा वे, ऐ मेरी मां है, ऐ मेरे कजन है, ऐ उभरन च लै गए। बाइबल कहती है ये पार्ट ऑफ बॉडी है, कलाम कहता है आपके बदन का हिस्सा है, इसके बगैर आप मुकम्मल नहीं है। ये पसली है और ये दिल के करीब से नहीं गई है। अगर ये दिल के कोल ना रहेगी ना उन्हें सुकून का ना तो सुकून होना। ये पार्ट ऑफ बॉडी है और मारेगी तक है भाई वो अपनी जगह बनाने के लिए। अगर उन्हें जगह मिल गई तो फिर दुआ की जिंदगी बेहतर है। मैरिज क्या है? वहां पर हम बड़ी बड़ी बात मैरिज का कलाम जो है ना नकाद काठी लोग सुनते हैं ना, तो दूल्हा दुल्हन सुनने वास्ते आते हैं कि सुनिया पे जो करारनामे ने दे छे मां प्यो तो बिल्कुल ही नहीं ना। अजय दुआ शुरू नहीं होती छह बंदे पुरपुर आ जाते हैं पांच सब टाइम थोड़े जाते हैं दूर बड़ी जाना है। इस कलाम को किसने सुना? बाइबल मुकद्दस लिखा है, मैं चाहता हूं कि मां बाप के खिलाफ नहीं हूं लेकिन बाइबल की एजुकेशन क्या है, कलाम क्या कहता है। असी कभी कभी आकर कहने मैं तेन छड़ देंगा, मैं भरा नहीं छड़ना, मां प्यो नहीं छड़ना। कलाम क्या कहता है, मुकद्दस कलाम में क्या लिखा है। और खुदावंद खुदा ने उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसके पास लाया और कहा, उसने कहा अब तो ये मेरी हड्डियों में से हड्डी है और मेरे गोश में से गोश है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि नर से निकाली गई है। इस वास्ते इनर मटेरियल की वजह से इस वास्ते मर्द अपने मां बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से क्या करेगा? असि जरा कुआन मान महीने पहले उन्होंने घरों कटने की कोशिश करनी है। हालत यह है, जनरल बातें हैं, ये हकीकत है ये, लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है। और जिन लोगों के निकाह उन्होंने बदन गांठ की बोल
मैं इसे अपनी बिहाता बीवी होने के लिए क्या करता हूँ, कबूल करता हूँ। करांगा कि जब तक मौत हमको जुदा न करे, कदों तक मौत हम वो देखते कोई रिश्तेदार आज दो साल नहीं लंघ तलाकों की गल पहुंच जाए। इकरार क्या कर रहे हैं, तलाक के ऊपर जो आपने हाथ रखा है वो क्या किया आपने और आपकी जिंदगी क्या है। और फिर ऐसी चर्चा के गाने मैं और मेरा घराना यसु मसीह दे नाल रहा है। ए हालत जी घर जनानी टोनी ला के देखे रब गुदावन बादशाह होंगे क्या हमारा म्यार गैर कुआम वाला नहीं है। वो की करते ने छड़ दो, वो ये भी कहते ने बीवी पैर की जुती है पूरी आई आई है जिंदगी के नाश है। पर बाइबल मुकदस में लिखा है ये पसली है भाई, अपनी पसली को पहचानना। कई ने उम्र ही गुजर जाती नहीं मेरे को उतो बड़ा अच्छा रिश्ता रहे मैं दिया नहीं इतने खास उन्हें करा लेने से भरा। अब जो तूने अहद बांध लिया है और अहद का मतलब यह है कि मैं टूट जाऊंगा अपनी जान तक दे दूंगा पर मैं तुझ पर आंच नहीं आने दूंगा क्योंकि मैं तेरा शौहर हूं, मुकर्रर किया गया हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि तू मेरी बीवी है। जब तक मौत हमको जुदा न कर दे खुदा के लोगों, ये घरों के अंदर छोटी छोटी बातें जो है कभी कभी ये जुदाइयां बन जाती हैं और जुदाइयां तो बाद लड़ाइयां ते लड़ाइयां तो बाद तलाकां तबाह कर देती हैं एक ईमानदार फैमिली को। और पुलिस तमाशा देखता है कहते चर्च के बड़े हाले लिया करना पर घरों में इन्होंने सदिया होंगे। बड़ी खूबसूरत बात खुदा का अजीम खादर नबी कहता है कि एक दिन मेरी बीवी ने मुझसे कहा हूं तो तुम मेरे ना प्यार नहीं करते होने ना मैं बुढ़े हो गए हैं। तू कहता है मैं आज भी तुझसे उतना प्यार करता हूं जितने शादी में। हालेलुया, उसका स्वभाव क्या है, कहता मैं दौलत से तेरी से मैंने मोहब्बत नहीं की, खूबसूरती से भी मोहब्बत नहीं की। खूबसूरत होना अच्छी बात है, खराब नहीं हूं मैं, लेकिन मैंने तेरी रूह से मोहब्बत की। नहीं होती रूह नहीं क्या पहनिया बंदा तंग नहीं क्या पहनता, मैंने तेरी रूह से मोहब्बत की। जब ये कॉन्सेप्ट हमारी जिंदगी में आ जाएगा तो फिर याद रखे करों में खुशहाली हो जाएगी। आज आपकी लड़ाइयों की वजह से आपके बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, वो अच्छे तरीके से पढ़ नहीं रहे, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे। वो कहते हैं जब घर जाते हैं वहां पर लड़ाई झगड़े हैं, वहां पर तो मार कुटाई है, वहां पर तो ताने मेने सारा कुछ, फिर मोहब्बत कहां हो, किस तरह खुदा प्यार करे। और बाइबल ने पत्र सुनता है शादी ब्याह सब में इज्जत की बात समझी जाए। असं तौबा के कलाम सुन लेने हैं, बपतिस्मे का भी सुन लेने हैं, हदीये का भी, दह यकी का भी, तो ये भी बाइबल का कलाम है। आज हो सकता है किसी खादम के अंदर ये कमी हो, किसी और के अंदर ये कमी हो, हमें उन कमियों को निकालना है, हमें उनको दूर करना है और एक मोहब्बत भरा घराना बनना है। खुदावन ने जिंदगी गुजारनी है, जब मियां बीवी खुदावन के हुजूर मोहब्बत के साथ यूनिटी के साथ एक दूसरी रफाकत के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो फिर क्या रिवाज है। और कलाम खुदा में यह भी लिखा है तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिक है। असी उन्हें काम करने वाले भाई भी कभी कभी समझ लेंगे, असं सोचना शायद काम करने वाले लैके आए हैं, काम करो कि करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका म्यार वो आपके बदन का हिस्सा है। और लिखा है तेरी बीवी तेरे घर के अंदर, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार फलों से भरी हुई ताक की मानी है।
इतनी खूबसूरत बात बीवी के लिए। और कभी कभी लोग कहते हैं जदों भी मेरे घर आए मेरा जीना ही आराम हो गया, हमारी जिंदगी कुछ ऐसी हो गई, तेरे घर के अंदर अच्छा शोर अच्छी बीवी और मददगार अहद खुदा के साथ जो बांधा है उसमें कायम रहने की जरूरत है। लिखा है इस वास्ते मर्द अपने मां बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे, एक जिस्म होंगे, वो दोनों एक तन होंगे। इतने के नफरत यह है कि ट्रक गुजार लो एकदम से बड़ी दूर की गल, यहां पर तो दो दो साल बंदे गल ही नहीं छड़ दे, तू उन्होंने भी यही गल की थी, हूं भी है जरूरत है भूल जाए गलतियां सारा कुछ अपलीस को मौका ना दे, लंबी दूर या लंबी लड़ाई झगड़े ना हो। कलाम में लिखा है थरथराओ और गुनाह ना करो, और यह भी लिखा है गुस्सा तो करो लेकिन गुनाह तुहाडा गुस्सा किन्ने साल चलता रहे, सूरज डुबन तो साड़ी तो लड़ाई शुरू डुबन के बाद शुरू होती है, बंदे आना नहीं शाम होंगे रात में तो लड़ाई भी रात नहीं होनी है ना, या सुबह छुट्टी लग जाती है। लिखा सूरज डूबने पहले सोने से पहले अपने जहन को दिल को मुकम्मल साफ कर, और ये खादमों के बारे में बात होगी या और भी, लेकिन ये भी बड़ी खूबसूरत बात है, अगर तुम दुआ करो और तुम्हें पता चल जाए इसी से तुम्हें कुछ शिकायत है, वो बीवी भी हो सकती वो शोहर भी हो सकता, तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें किसी से कुछ शिकायत है फौरन की करो माफ कर दो। मोहब्बत में मियां बीवी के रिलेशन में ये चीजें होनी चाहिए, पर असि क्यों माफी मंगिए जिसे बंदे हैं है? साड़ी दे शान के फर्क पै जाता, अगर बीवी किसी पर नाराज हो टुट जाए ना आखिरकार आप ही कही कि आप ही आवेगी, पहला वो फोन करे मैं क्यों करा भाई है ऐसा है या नहीं। भैन मैं अपने चर्च मैरिज के कलाम सुना दिया सा भराओ कि गल ना समझ आए, एक पादरी एक भाई च कह लगा मेरे मुंह से तुमने नहीं आख्या, कहिंदा अज पादरी अगे साड़िया जनानियां नहीं साढ़े काबू उतो पादरी ने बीवियां ने फेवर च कलाम सुना के होर बिगाड़ देना है। वो भाई बाइबल कह रही है मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है, खुदा के मुकद्दस कलाम में ये बातें हैं, वो दोनों एक तन होंगे। और हमारी बातें क्या है, हमारी जिंदगी क्या है, ये हमारे बदन का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर भाई अखबार पढ़ रहे हैं या रिमाइंडर उसके हाथ में या फेसबुक पे आम लोग फेसबुक ही चला रहे हैं, बीवी पूछती है आज बनाइए की पकाइए जो मर्जी पा रहा, फिर कहती है क्या बनाना है क्या बनाना है जो मर्जी पा रहा, वो इस बात को उजागर कर रहा है मुझे तुझ में दिलचस्पी नहीं है, तेरी बात की मुझे कोई अहमियत नहीं है, मैं फेसबुक जी चला ये ज्यादा इंपोर्टेंट, जे थोड़ा इन्नी गल कर दे जनाब तुम दसो की पकाना वह पका लेंगे, माहौल चेंज हो रहा नहीं बादशाह चीज बदली कही है कि नहीं बदली है। माहौल बदल गया है इस वो खुश हो जाती है, और बीवियां जो है उनके बड़ी बड़ी डिमांडे नहीं है छोटी छोटी डिमांडे, आप 2000 का बार खाना खाओ कोई गल नहीं, बीवी शवार में नहीं डिमांड करते ना उन्होंने पूरे घर का बजट सुना दीता, तेन पता है कि कितने पैसे दे जाने तेन बड़ा अभी कितने कितने बच चुके हैं, उसकी छोटी छोटी 100 रुपये का शुआर में कड़ा भार चुक लिया, कोई आख्या स्कीम पूरा बकरा करा के घर लाए ना छोटी डिमांड, और जब आप उसकी छोटी छोटी खुशियों को पूरा कर देते हैं
तो वो आपके लिए रिश्तेदार को क्या, माँ बाप को क्या, पूरी दुनिया को छोड़ देंगे। वो पूरी दुनिया के लिए लड़ सकते। अगर शोहर की कोई बात रिश्तेदारों में जो कर देना तो बीवी कहती अज तो बाद मैं बुलाना नहीं, मेरे बंदे की बिजती की थी। असं पता ही करते हैं, मेहमान बैठे हो ना, चार जो कमी पेशी होते उसे सामने शुरू हो जाए। यह नजार ही नजार बनाएंगे, अगे नहीं जी बना। जब आप खुद आगे लग जाएंगे, खुद शुरू हो जाएंगे, तो रिश्तेदार से फिर चढ़ाई करेंगे सारे। जब आप अपनी बीवी को सपोर्ट करेंगे, उसकी वेलफेयर करेंगे, तो कोई भी रिश्तेदार डरता तो बीवी ना गल नहीं करेगा। वो भाई हो अपनी जनानी के खिलाफ गल ही को नहीं सुनता। अच्छा अमीर लोग प्यार मोहब्बत ना जिंदगी गुजारन ना, तो पता क्या ने इन्होंने बड़ा रिलेशन है आपस, बहुत जबरदस्त उनकी जिंदगी, बड़ा प्यार मोहब्बत। तो जो गरीब आदमी करे आंदे रंग गरीब लोग है, गरीब बंदे वास्ते है लफ्ज इस्तेमाल कर ले। अमीर हो जाते बड़ी मोहब्बत है, साहब जी बेगम जी बड़ी मोहब्बत है आपस। बाइबल कहती है खुदा का कलाम कहता है वो दो नहीं एक तन है। जब एक तन में कोई और तन आ जाए ना फिर दवाई हो जाती। लिखा है जिनको खुदा ने जोड़ा है कोई आदमी, वो आदमी कौन है? वो आदमी पहचान लीजिए, वो भी हो सकता है कुछ गई है ना उससे छड़ दे, महीना नहीं पहन देंगे तेरा नवा ब्याह कर देंगे। ऐ वो आदमी जो मेरे भरा कुड़ियों का घट है नवा ब्याह हो जाएगा, मेरे पुत्र और मैं कभी कभी उन माओ को इस सोच पर हैरान होता हूं। जब पुत्र की शादी नहीं, पादरी साहब दुआ करो मेरे मुंडे का ब्याह हो जाए, रिश्ता चंगा मिल जाए, तो जे शादी हो जाए मेरा मेरे बाद चुप जोड़ी। अच्छा अगले की धीरे मार दे ना अपना पुत्र भी बड़ा कर दे, जोड़िए चुप लैस मार दे चुप जोड़ी है। और कहने पर साहब की दसी है जो कल मुंडा गया जब निकल गया। कलाम को किसने पूरा करना है? खुदा ने सबसे पहले इंसानियत में बशरियत में जो तारत कराया है वो मां बाप नहीं है, चाचे ताए कजन नहीं कोनी थे, जोड़ा मियां बीवी। हालेलुया हालेलुया। सबसे पहले मियां बीवी, खुदा ने एक जोड़े को तश्कील दिया है, एक जोड़ा बनाया है और उस जोड़े को कहा तुम दो नहीं एक तन। जिनको खुदा ने जोड़ा कोई आदमी उनको जुदा ना करे। तो फिर वो भाई वो बहना सोच लो कि क्या वो है बंदा कौन जो हमको जुदा कर रहा है? बीवी गलती चले जाए काल करे उससे गल चले जाए, वो आपकी बीवी है, बीवी खून का इंतजार करती रहती है कि अगर ठीक है मैं गुस्से में थी घर से अपने मां बाप के घर में आ गया मेरे शोर मेन मना ले ऐसे जड़े इधर बैठे ने उस स्कूटर डर गए जे तू लैन गया ना तेरी आना इज्जत नहीं रहनी है, जे तू पहला डोल गया सारी जिंदगी तू उन्हें थले लगा रहेगा, आकड़िया रहो आप ही छड़ के जान। ये आओ ने जेडे खुदा दे कम्मां च दखल दे रहे पहचानी उन्हें मियां बीवी एक यूनिटी के अंदर मोहब्बत के अंदर एक। और खुदा ऐसे जोड़े नहीं चाहता जो रोज लड़ते हैं। हो सकता है आप खादम बहुत अच्छे हैं, आप ठीकम बहुत अच्छे हैं, आप मुबशिर बहुत अच्छे हैं, लेकिन हो सकता है आप शोहर अच्छे ना, हो सकता है आप बाप अच्छे ना। मुझे एक बात याद आ रही है, एक 8 साल की बेटी थी, कभी कभी ऐसी काम में सारा कुछ बना रहे हैं, काम बुरी बात नहीं, ओवर टाइम और क्लिनिक और जगह पर और जगह पर एक काम वाली मशीन बन जाने, ना बीवी का ख्याल है ना बच्चों का ख्याल। एक 8 साल की बच्ची वो कहती है अपने बाप से, वो ऑफिस में भी काम है, घर में भी लैपटॉप पर ऑफिस का काम हो रहा है,
बाप के पास है, कहेंगे बाप मुझे बताएं आप एक घंटे में कितना कमा लेते हैं। उन्हें टालन नहीं मारे क्या, मैं एक घंटे में 100 रुपए कमाता हूं। अच्छा मुझे 50 रुपए चाहिए। 50 उन्हें पहले कुछ सिक्के सुके जोड़े होंगे, 100 जमा हो गया। अगले दिन जब वो ऑफिस जाने लगा उसका बाप, कहने लगी आज एक घंटा जल्दी आ जाना, मैंने आपके साथ खेलना है, खाना खाना है और ये 100 रुपए मैं आपको दे। सोचे गौर करें, जरूरत है, खिदमत ठीक है, सारा कुछ है, लेकिन बीवी भी है, भाई भी। कहती है जिड़ा बंदा अपने घर का इंतजाम नहीं करता उन्हें बाहर का भी करना है। बाहर बच्चा चुप चुप मोड़िया में रखेगा, पाजी साहब ने बड़ी बच्चे मोहब्बत कर देने, घर बच्चे की खबर ही कोई ना, वो बुखार ना करता हो जाए। क्या है आप, क्या ये मसीह मैरिज है, क्या ये मसीह शादी है? इसको आप बाबरकत शादी बाबरकत जोड़ा कह सकते हैं? नहीं। आज गौर करने की जरूरत है मैरिज क्या है। वहां पर तो बड़े एक्ट, बड़े दावे, बड़े वादे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। वक्त भी देना है, जरूरत है। आपकी बीवी आपके घर के अंदर, और लिखा है खुदा ने कहा मैं उसके लिए एक मददगार, और दो तीन दिन अगर ख्याल कर छोड़ दे, एक मददगार उसकी मानी बनाऊंगा। ये खुदा की मर्जी है, खुदा ये चाहता है, लाजम है, जरूरी है। और एक जगह पर खुदा का कलाम सुना रहा था, तो मैंने कहा भाई आपकी बीवियां हैं, आपकी मोहब्बत है, और खुदा कहता है वो दो नहीं एक तन है, कभी फ्लावर दे दिया करे अपनी बीवी को, ऐसा ना हो कोई तुझे बाहर किसी पास गर्भ हो अपनी बीवियों। तो वहां एक बुजुर्ग खादम बैठा हुआ, वो कहता फुलानी उम्र से मेरी नहीं रही, तो मैं वो और ही जुगाड़ करना। दुकान पर गया, एक चंगी ना रेड ब्लैक संतरे, रेड संतरे दर्जन लिए छीने, घर ले आ गए उसको धो के चार पीस करके ना नमक शमक ला दे, अपनी बेगम देखो लेकर बेगम खाओ। बेगम हैरान थे कि जो बार गहन करता हूं अज इन हो गई है, उसके बेटे बहु सब हैरान। वो शख्स चंद महीनों के बाद जब मिला ना, कहता पादरी साहब मैंने जब से कलाम सुना है मेरे घर में रोशनी आ गई। अब मैं अच्छा महसूस करता हूं, घर में जाऊं मेरे बच्चे सहमे सहमे नहीं रहते, मेरी बीवी डरी नहीं। जब आपकी आवाज आपकी बीवी तक पहुंचे तो वो बहुत बेहतर महसूस करे, वो सहमना शुरू ना कर दे, कमना शुरू ना कर दिया जाए, कपड़े नहीं धोते पता नहीं मारा ना लगा, वो अपने आप को ऐसा महसूस करे मेरी सिक्योरिटी आ गई है, मेरा मुहाफिज आ गया है, वो मेरी हिफाजत के लिए आ गया, मुझे कोई डर नहीं है। अब मैं अपने आप को इसी महसूस करती हूं, बेहतर महसूस करती हूं। वो कमना शुरू ना करते थोड़ी आवाज बढ़ता सुन सुन, आपका लघु लैज 100 में 75% जो है, 55% जो है आपका लघु लहजा बड़ा बेहतर। जैसे मैंने बताया अगर शोर ही नहीं गल करते जनाब थानू की पसंद है जो ही बना रहे हैं, तो सारा काम ही नहीं ठीक हो गया, लड़ाइयां खत्म। वो खादिम कहता है उस दिन के बाद मेरे घर में घुटन खत्म हो गई, इत्मीनान सा आ गया है, तसल्ली आ गई है। अगर खुदावन भी हम मसीह जोड़े खुदावन खूबसूरत बातें, खूबसूरत खुदा की बातें, और खुदा अपने लोगों को बरकत देता है। आए मेरे साथ देखते हैं खुदा के सलाम में
नाम पालू सुसुर बहुत पांचवें बाब उसकी 22 खुदा के कलाम में लिखा है, आए बीवियों अपने शोहरों की ऐसी ताबिया रहो जैसे खुदावंद, क्योंकि शोहर बीवी का सर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबिया है वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबिया हैं। हालेलुया। अब शोहर की बात हो रही है, यहां पर हमारा खुदा ऐसा है, कोई ऐसा खुदा है, बीवियों के लिए भी शोहरों के लिए भी दोनों के लिए कलाम। अब खुदा बीवियों को हुक्म देता है, आए बीवियों किधर ताबिया रहो, अपने शोहरों के ताबिया रहो। और कभी कभी बंदों के अंदर बड़ी गलत बातें गलत मानी भी आ जाती है। एक शख्स कहने लगा मेरी बीवी के लिए ना बड़ी खूबसूरत नहीं है, मेरे रंग काला होना होगा, कहती इतनी खूबसूरत नहीं है, बाहर लालू खेत मार्केट जाइए उसे बड़ी खूबसूरत जनानी है, वहां पर बड़ी खूबसूरत हो। वक्त फहमी है ना, चला गया सवेरे जाके बैठ दुकाना ना भूल। अब लोग आए जिन्हें बीवियां सुनो वहां पर शॉपिंग करें अपने घर को चली जाए, शाम पै गई वापस आ गया, अभी वो दरवाजे पर है, बीवी पहले पानी का ग्लास लेकर दरवाजे पर पानी पी ले हाथ धो ले, मैंने आपके लिए खाना बनाया हुआ, कहता मैं वाकई उसको फिर मैं तो वहां पर मैंने तो बाहर के खूबसूरती को देखी, असल बीवी जो मेरी है वही बेहतर, सारा दिन उठे बैठा रहते पानी भी नहीं पूछा, घर आया हूं पानी भी मिल गया है खाना भी मिल गया है तो ये बेहतर। और दुनियादार लोग तो ये बातें भी करते हैं, एक बंदे को मैं बैठा मैंने कहता भाई साहब जब अपना बच्चा रोवे ना तो दिल दुखदा, अच्छा तो जे किसे दा आंदा तो सिर दुखदा, ते जे अपनी बीवी होवे ना फिर भी सिर दुखदा, अपनी बीवी होगी तो यह काम ही है सैकड़ मुकनी पाती है, तो जे किसी की बीवी होगी ना दिल दुखदा बेचारे ने बड़ा सुना है, कहीं आप इस सिस्टम में ना लिखा है आए बीवियों अपने शोहरों की ताबेदारी करो, बीवियों को भी लाजम। और इंसान की किताब में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, लिखा है जायदाद मेराज खुदा मां बाप के वसीले मिलती है, ठीक है, और नेक बीवी, बीवियां सारे हैं हैं जिनकी शादी हुई है, नेक बीवी खुदावंद की तरफ से तोहफा है। नेक बीवी खुदावंद की तरफ से तोहफा है। तो कई प्राण ने बार साहब मैंने तो बाकी जनानी ने बिली पर तोहफा ही लग गया, वो तोहफा नहीं मैं कह रहा है, वो तोहफा नहीं है केवल खुदा की तरफ से, और जो कि खुदा की तरफ से होता है वो माड़ा नहीं होगा। डैलबाजियां छड़ दो, मेरा तो पुरानी जगह बड़ा अच्छा रिश्ता होंगे तो उदो किया क्यों नहीं होने का, तू सुकून साड़ना पे इसके पीछे क्यों बात, तो पहले कर लेना था। लिखा है इसी तरह आए बीवियों अपने शोरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावन की। सारा जो थी वो इब्राहिम के हुक्म में रहते हैं, बीवियों के लिए लाजम है तो वो अपने शोहरों की ताबेदारी करती है। ना फिर मेरे चार भरा है ऐ धमकियां ना देने बंदे में, कई है मैं सबकी बात नहीं कर रहा जनरल बात कर रहा हूं, अगर मैं वर्ष नहीं है ना मैं अपने आप
अपने एक देश एतवास में ये बातें ना ताबिया ताबिया समझते हैं ताबेदारी के अंदर ताबेदारी का मतलब है जो कानून है उसको फॉलो कर। हम पाकिस्तान की ताबेदारी में है, आजाद मुल्क है लेकिन आजाद कानून नहीं है। पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक हम अगर हम पाकिस्तान को कोई कानून तोड़ते हैं तो उसकी सजा बीवियां ताबेदारी के अंदर वफादारी के अंदर कलाम सिखाता है जैसे खुदावन की, क्योंकि शोहर बीवी का क्या है, सर है, दिमाग है उसका, सर है, लीडर है वो आपका, उसकी ताबेदारी बड़ी लाजम है। लिखा लेकिन मसीह कलीसिया का सर है और वो खुद बदन का बचाने वाला है। मसीह खुद कलीसिया का बचाने वाला है, इसी तरह शोहर बीवी का बचाने वाला है। शोहर लीडर है, बीवी ताबेदारी के अंदर है, वो ताबेदारी के अंदर। और जो कहने ना सानू आजादी चाहिए, वो आजादी नहीं आबादी है, आजादी नहीं, आजादी का मतलब है आप उस कानून के लाभ ताबिया हैं। आवाज किए गए ना मेरा बंदा मुझे पूछे मैं कितने चली आप कितों होना की करना, ये आजादी नहीं है, आवाजी है। खुदा पसंद नहीं करता, कलाम सिखाता है आए बीवियों अपने शोरों की ऐसी ताबिया रहो। और फिर लिखा है लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबिया है वैसे ही, जैसे कलीसिया मसीह के ताबिया है वैसे ही सेम वे सेम उसी तरह बीवियां बीवियां जो है वो अपने शोहरों के ताबे रहे, वैसे ही बीवियां हर बात में अपने शोहरों के ताबे रहे हो। आए शोहरों अपनी बीवियों से क्या करो, मोहब्बत रखो, क्या करो करनी तो अपनी मर्जी है। आए शोहरों अपनी बीवियों से क्या करो, मोहब्बत रखो, हुक्म है ऑप्शन नहीं, हुक्म है मोहब्बत रखो। और एक बंदे ते खीर ही कर दिता पार साहब ठीक है कलाम से लिखा होना है टोटा तो सा ये अमेरिकन स्टाइल है। मैंने कहा पतरस अमेरिकन है, एशियन है पतरस, और वो रूहुल कुदस की हदायत से ये कलाम हम तक पहुंचा है और खुदा का रूह कहता है आए शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। आज बीवियां कुछ हद तक अगर गलत रास्तों पर चलती हैं तो उसमें मर्दों का भी हम सिस्टम है, मर्दों की वजह से जब वो फैमिली को वक्त नहीं देंगे, बच्चों को वक्त नहीं देंगे तो फिर क्या होगा। जरूरत है अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, लाजम है, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। ऐ मोहब्बत जे शादी तो पहले कहने तेरे लिए जान देना, बाद में तेरी जान भी ले लानी, जान तो पहला झूठ बोलते हो या बाद बोल दो, है मसला। मसीह ने जैसे कलीसिया से मोहब्बत की अपने आप को मौत के हवाले कर दिया, पेश कर दिया। शोर ऐसा हो बीवी पर आंच ना आए, खुद जिंदगी पेशा खत्म हो जाए। मोहब्बत है ही कुर्बानी देने का नाम है, ये मोहब्बत नहीं। जब तंदुरुस्त है ठीक है, बीमार हो गई तो तंग पै गए उठे तो कहने ना मैं दुख सुख से तेरे नाल रहांगा, फिर जब तक जिंदा हां जब तक मेरी सांसें हैं जब तक हम दोनों जिंदा हैं सबों को छोड़कर तुझसे मिला रहूंगा।
से कौल करार करता सोलह जो भुल गए ब्याह है पुरानियां भी हो जाए शादी पुरानी नहीं होती। सरगोधा में उस वक्त बुजुर्ग शाह थे तो मैं मीटिंग के लिए जाया करता हूँ, तो हमारी फैमिली ने दावत की और वो जब दावत की तो वो बुजुर्ग थी को 70-80 साल में, तो वो अपनी नून कहती है जल्दी रोटी ला गया पर सब आ गए। अच्छा जे बहुती रोटी लैके आई तो ना सस के मुंह च दंद तो ना नूह के मुंह, वो भी बेचारी बना। मैंने सोचा अज भी उन्होंने बहुती में समझ मोहब्बत शादी पुरानी नहीं होती, साड़ी सोच पुरानी हो जाती, साड़े ख्याल पुराने हो जाते। और नबी की बात को फॉलो करे वो कहते हैं मैं आज भी तुझसे, और ये बात मैं चर्च में ईमान के साथ कहता हूँ, अगर हम वाकई अपनी बीवियों से मोहब्बत करें तो हमारी बीवियां जो हैं वो इस दुनिया के दुनिया में छड़न वास्ते तैयार होंगी। हालेलुया हालेलुया, उन्हें मोहब्बत की जरूरत है, वो माँ बाप को बहन भाइयों को सारे रिश्तों को सिर्फ आपके लिए छोड़कर आते हैं आपके लिए, क्योंकि आप उसके बदन का हिस्सा है। अगर कुछ चीजा अलहदे अलहदे पईया हो ना कहते ने सेट मुकम्मल करो तो आप खूबसूरत लगेगा, तार जो माइक के पढ़ दवा तो गल बनेगी, जो तार लगी है तो आवाज बड़ी दूर तक जान देगी। इसी तरह मियां बीवी अगर मोहब्बत में रहेंगे तो उसका बड़ा फर्क पड़ेगा। एक पास्टर था वो शख्स तो सिर्फ चर्च की आता था कलीसिया के आता, उसके बच्चे पढ़कर बड़े मशहूर बन गए, बड़े बड़े तरक्की आपका बन गए। दो जर्नलिस्ट उनके पास आए और उनकी उनके साथ सवाल जवाब किए। अच्छा सारे सवाल जब उन्होंने कर लिए आखिर में एक शख्स पूछता है पास्टर साहब बताइए सबब क्या है आपके बच्चे आपको चर्च से बाहर को जानते नहीं है और आपके बच्चे तो इतने करेंगे आपका बड़ी उनकी वैल्यू है बड़ा प्यार है उनका, आपने वो राज हमें बताया किया क्या है। पादरी साहब कहते हैं मैंने अपने घर में गौर से सुने मैंने अपने घर में अपनी बीवी को कॉइन की नजर से देखा मलका ही समझिया अब मैनु नहीं पता रब ने सारा काम कर मलका की नजर ना देखा गुफ्तगू भी की है ते मलका के अंदाज कि मलका है मैं बादशाह कहता यही सबब है। और जिन घरों में लड़ाइया किसी दूसरे घर के लालू साहब उनके बच्चों की एजुकेशन तबाह है, एजुकेशन देवे कि बीवी दो दो साल पहले बह रहेगी बंदा इतने आकर के बह रहेगा बच्चे अद्धे उधर अद्धे उधर वो की पढ़ेंगे, वो ना खुदावन में पढ़ सकते हैं ना दुनियादारी में पढ़ सकते हैं। वो अजीब सिस्टम और कभी कभी माए जो होती हैं वो भी घर जाने से बड़ा करदार होता है। एक मुहावरा बनया मां दिती रही तो दीवस नहीं गई है? मैं घर के अंदर ये प्रैक्टिकल बात विजिट के लिए गया तो उस बहन का शोहर नशा करता था काम भी को नहीं करता थे बीवी को पैसे को बीवी घरों में काम करती थी बच्चे पालती थी घरों में काम करके घर का भी काम करना और वो शख्स क्या करता नशा करके घर में पड़ा रहता उसकी मां उन्होंने एक दिन कह दिए तू उसको छोड़ क्यों नहीं देती नशे ही है कमांदा है कुछ नहीं की फायदा तेन मां ने मिसाल भेजी थी मेरी बहनों गौर से सुनने वाली बात मां कहती है जब उस चुन्नी फट जाए ना उन्हें सिर पर नहीं लेगा अच्छी बात मां ने की पर जी धी ने गल की थी ना हमारी गल बेटी ने कहा मां फटी हुई चुन्नी भी सिर कज लेंदी आ चुन्नी फटी हुई हो सिर ढक लेंदी वो मेरा शोहर नशे में है
को मेरा शौर कमाता नहीं है। लोगों को यह पता ना यह बंदा है, अगर आज इसे छोड़ दू गलती बंदे नहीं हो पा लोग कहना बीबी नहीं ठीक, पहले छता हूं पता नहीं कितने फिर रही। उसने कहा फटी चुनी सही सिर ते कजिया सुना, लोगों का मुंह तो बंद किया हुआ है ना, उनसे तो बचाया हुआ मुझे। इसलिए मेरी बहनों जरूरत है अपने घरों को टूटने से बचाने, मोहब्बत के साथ हम आहंगी के साथ जिंदगी गुजारे, खुदावन बरकत दे, खुदावन जिंदगियों में काम करे, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो बड़ा अजीम है। कलाम खुदा में मुझे एक बड़ा जबरदस्त जोड़ा जहन में आ रहा है, इब्राहिम और सारा, इतना खूबसूरत जोड़ा, इतना वफादार जोड़ा। और कलाम खुदा में लिखा है सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती थी, ये है, और तुम्हारी ऐनी उम्र हो गई। इब्राहिम उन्होंने कहना तू खूबसूरत है, तारीफ हमारे के भी मसला है ना, कोई कलाम सुना भाई ने उन्हें कितने बेगम की तारीफ कर दी, बेगम ने मोया कि पी के नहीं आया कितने अगे भी आई करनी मैं इनकी गल की है। तो मेरी बहन को अक्सर किया करे, अगर शोहर आपके खाने की आपकी तारीफ करता है तो उसको कबूल किया करें, उन्होंने वो कहता पार साहब मेनू तो कम पुठा पै गया, मैं कभी जिंदगी शराब नहीं की बेगम आगे लाद दो पैग ला आए लिखा है कलाम में हमारा खुद एक खूबसूरत जोड़ा है। और जब इसके साथ कुछ गलत होने लगा खुदा ने अपने फरिश्ते निकाल देता। आज बहनों के घर उजड़ रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। आज जब ये कहते हैं कि खुदा कल आज बल्कि अब तक यक्षा है, आज फरिश्ता क्यों नहीं आ रहा, आज खुदा का खादम की सूरत में क्यों नहीं जा रहा थी, आज टूटे घरों को छोड़ने के लिए क्यों नहीं पहुंच रहा। शायद हमारी जिंदगियां सारा जैसी नहीं, वरना फरिश्ता आज भी आ सकता है। मुकद्दसा मरियम के साथ गलत होने लगा, उसने कहा मैं चुपके से छोड़ देता हूं, बदनाम नहीं करता। फरिश्ता आ गया, एक ही तरह लगा है, अपनी बीवी ने लै गया, छड़े मनसूबे कर रहे, तलाक के मनसूबे सोचना है, जब दो तीन दफा पेपर कर लगा जान छोड़ देगी, अब वो कोई होर तार नहीं होनी। खुदा ने अपनी बीवी को अपने हाले आने से ना डर, फरिश्ता आज खुदा क्यों नहीं हदाय दे रहा, आज खुदा क्यों नहीं बचा रहा। आज मरियम जैसी सारा जैसी औरतें भी तो हो, बेटियां भी तो हो, आज भी खुदा बेच सकता है, क्योंकि वो कल आज बल्कि अब तक वो यक्षा खुदा है। खूबसूरत जोड़ा ताबेदारी के अंदर, वफादारी के अंदर ऐसा जोड़ा। और कलामी खुदा में लिखा है उस मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुसल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या छुरी या कोई ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो, बल्कि पाक और बेऐब हो, उसी तरह सेवे, उसी तरह शोर बोल लाजम है। ऐ जरूरी सब्जेक्ट ये प्यारी किताब नहीं देते, अगर ये फेल हो गए तो फिर देते, लाजमी सब्जेक्ट है ही गल ना, बेटियां पढ़ी लिखी हैं, बेटे पढ़े लिखे हैं, लाजमी में अगर फेल हो गए तो फेल। लिखा है इसी तरह खुदावन करता, उसी तरह शोहरों को लाजम है। शोहरों को पहले बीवियों को कहा गया अपने शोहरों के ताबे रहो, अब शोहरों को लाजम है अपनी बीवियों से
अपने बदन की मानी का मोहब्बत रखें। किस तरह? अपने बदन की मानी गल आदि मैं लगता कारी जी। मैं एक दफा कुछ बदाम घर में ले आया, देख पूछा एक मैं डॉक्टर ने दसिया ये दिमाग वास्ते ठीक होंगे ने भ्योंग ना गिरियां खान। अच्छा मैं भुल गया इस गल, चंद दिनों बाद अनार लै गया। मैं डॉक्टर दस मैं वैसे ही गल कर रहा है, उन्हें कहा खून की कमी है अनार का जूस पी। तीजी दफा बेगम कोई उठी कहती है सानू भी उस डॉक्टर को लै जाओ, सानू तो जेड़े भी डॉक्टर फट गए खबा को कौड़िया दवाइया दे चंगा शहर तुम्हें डॉक्टर का लिखा है कलामे खुदा ने। उसी तरह लाजम है अपनी बीवियों से अपने बदन की मानी। हल्का जो बुखार भी हो उसी वेले नस पाए तो बीवी चढ़ भी हो सवेरे गवा लिया ना तू तो जगह मेरे घर आई बीमारियां है ऐसा है या नहीं भैनो? कुछ कुछ नहीं आते थोड़े बंदे तो लाजम है अपने शोहरों से मोहब्बत रखें और शोहरों को भी लाजम है अपनी बीवियों से मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है सुन लीजिए, जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है। असं समझ रहे हैं जनानी कुटनी है तो बड़े बहादुर वो कुंडी नहीं साढ़े सियाने कहते हैं जनानी ने कुटिया तो दीवार को कुटिया एको गल ना दीवार ने बोलना तो ना बीवी। अच्छा महाराज यह भी मसला है कि कुछ जाकर बांह करोड़ दो दो हफ्ते रोटी तो होटल से खानी जी ना और रिश्तेदार भैन भरा एक दफा दे देंगे एक दिन लिया देंगे दो दिन ये बीवी और बीवी वाकई ही मददगार। और मैंने तो पंजाब में तो ऐसा है इतना तो नहीं मिलू पता वो अपने मां प्यो के घर जा ना उन्हें पता लगा ना मैं चौलों का तोड़ा आंदा तो उतो आखिर को पांच किलो पा दो घर मेरे बच्चे खाने। बीवियां इतना फिक्र करती हैं भाईओ गल ठीक है या नहीं? वो फिक्र करती उन बच्चों की परवरिश में एक हद तक लग जाती बंदे आने से जरा जी गल हो जी तू बच्चे में लगने की बच्चे तो मेरे तू जाना ना कले जाने खुदा के लोगों लिखा है छो कोई अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है बीवी से मोहब्बत वो अपने आप से मोहब्बत रखता है। और एक शोहर जैसे मैंने खुदा ने कहा लाजम है मैं क्या करूंगा आदम के लिए एक मददगार वो फायदा सुन लो की है सिकरिया नबी के सहीफा में लिखा है एक शोहर ते एक बीवी। क्यों खुदा कहता है क्यों खुदा डिमांड करता है ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। हालेलुया। अगर चाहते हैं आपके बच्चे रासबाज हो ईमानदार हो तो फिर कोई शोहर ते कोई बीवी एक बीवी ताकि नस्ल जो है वो एक बंदे ने मेरे तो सवाल किया नबियां का दो दो त्रैतरा की मैं सुलेमान ने आजाद की है उसके बारे में सुनना सुना है वो हजार तो नहीं सैटिस्फाई ने एक हजार बीवी। सो मैंने कहा ये बात सुन ले खुदा का कलाम तरह बतला हिस्सा हिस्सा और आखिर में बेटे की मात पतंग तक पहुंचा। मैं क्या ये खुदा कहता है जब दो से एक होता है ये तो खुशायन मोहब्बत की बात है पर जो एक पिछो तीन बनाइए ना सारा कुछ उल्ट पुल्ट हो जाता है सब कुछ तबाह होकर रह जाता है बर्बाद हो जाता है। और कलामे खुदा में लिखा है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की बल्कि उसको पालता और परवरिश में तुम अपनी गल दसी है। हर शख्स जरा वीकनेस नजर आए ना सानू बड़िया छावा लग जाए लिखा है खुदा के कलाम में कोई बंदा अपने जिस्म के साथ दुश्मनी नहीं करता ओनू पालता परवरिश करता मेरी सुनो जूस हो फ्रूट हो
वो चाहता है, वो इस बात को फॉलो करता है ताकि वो अपने भजन की प्रवेश करे। और लिखा वो उसको की प्रवेश करता है जिसके हमारा खुदा जो जीन है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की बल्कि उसको पालता और प्रवेश करता है जैसे कि मसीह कलीसिया को। इसलिए हम उसके बदन के अज़ू हैं। इसी सबब से आदमी, फिर वही बात हो रही है, आदमी बाप से मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा। कल ब्याह किया जनानी का हो गया, लिखा वो अपने बाप से अपनी मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा। वो पार्ट ऑफ बॉडी है उसकी, इस तरह उसका बदन मुकम्मल नहीं है। और इसीलिए वो नबी कहता है, वो कभी कहता है कि गैर शादीशुदा को किसी ओहदे पर फायज। आज कई पादरी 20 साल हो जाते हैं बाद ही शादी कर चले जाते, जबकि खादू के लिए तो एक ही बात है कि खादू में एक बीवी का शोहर हो, फिर वो मारन कुटन वाला ना हो, शोरो गुल करने वाला ना हो, वरना धुआएं रुक जाएंगी, जिंदगी तबाह हो जाए। खुदा सुनेगा नहीं। और लिखा है वो दोनों बीवी के साथ मिला रहेगा, वो दोनों एक जिस्म होंगे। ये भेद तो बड़ा है लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूं, बड़ा तुम में से हर एक अपनी बीवी से किदी माने, किदी माने ना सोचो बाकी अपने अपनी माने मोहब्बत है, अपनी माने उससे मोहब्बत रखे और बीवी उसका ख्याल रखे। बीवी क्या करे उसका अगले वाल जड़ी लिखी है, अपने शोहर से डरती रहे, उन्हें डराती ना रहे, अपने शोहर से डरती रहे। कई बंदे नौकरी भी खत्म हो जाती है, ड्यूटी खत्म हो जाती, बाहर बह रहे हैं भाई, घर नहीं जाता, घर भी जनानी के गले सुनिए, घर भी लड़ाइया सुनिए, इतने जो टाइम पास गुजार लेना वो ही सुन रहा। लिखा है बीवी अपने शोर से डरती रहे, डर का मतलब है ताबे रहे, इन्हें कोई डराने वाला है या कोई और मखलूक है, आपके बदन का हिस्सा है, आपकी पार्ट ऑफ बॉडी है। और खुदा हमें यही बात सिखाता है, आए तो वाला वो देखने खुदा के कलाम में। तुझे बारिश लिखा है, आए शोरो अपनी बीवियों से क्या करो, मोहब्बत रखो, तुम दोनों नेमतों के बारिश हो, किन्हें दोनों, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए, तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए। जेलम की बात बताने लगा, एक आदम खुदा उसे इस्तेमाल करता अपने जलाल के लिए, बड़ी कुदरत से इस्तेमाल करता है। वो एक दिन जनानी ना लड़के हो सकता को मारे मोरे बोले बाहर तो दस दिन बाहर किसी बदलू के से जा रहा है, दुआ सुनी नहीं, बड़ा जोर मार रहा है, बड़ी दुआएं कर रहा है, गुरु कहते पास गल की हुई है, ये खुदा मिनटा जी काम कर देता है, अज बदलू के से कम नहीं हो गया, क्या वजह है, अभी मैं थोड़ा बहुत जनानी नहीं लड़ा। अच्छा लिखा है कि अगर अपनी बीवियों की इज्जत करो, तुम एक नहीं दोनों नेमतों के वारिस हो, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए। कभी कभी दुआवां नूं डक्का लग जाता है, दुआएं भी रुक जाती हैं आपके लड़ाई झगड़े की वजह से, आपके गलत कामों की वजह से, आपकी दुआएं रुक
रुक जाते हैं। कुछ लोगों को कही है ना लड़े झगड़े ना करो, और नहीं पाठ साहब ऐसे बस वैसे बैठे बैठे। अच्छा गिलियां लगना धोदिया देखिए ने, पहला जो अखा मनिया गल तो धोदिया धोदिया फिर जो सुक जा ना वो बलन लग पे चंगा मच मार दें। छोटी छोटी लड़ाइया जो है ना, एक छोटे छोटे मेह, छोटी छोटी बातें, नोक झोंक, ये भी जो है बड़ी लड़ाई का सबब बन जाता है, बड़ी जुदाई का सबब बन जाता है, बड़ी तबाही का सबब बन जाता है, और खानदान बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। और एक बड़ी बात खुदा का कलाम जो हमें सिखाता है, कलामी खुदा में लिखा है तुम दोनों के मियां और बीवी के दरमियान दुआ कौन है? खुदा उन दुआ कौन है? ऐसे शादी के ना सैन करने वाले वो तो नस पा जाते हैं, कारण जो गुआ रहता है वो खुदा उन तो हमारा गुआ है, क्योंकि वो सामने वो कलाम के हाथ नहीं लगे, वो गुआ है। और जब आप मायूसी की बातें करती हैं, मेरी बहन मेरे भाई आप जब मायूसी की बातें करते हैं तो गवाह कहता मैं झगड़ा फंस गया हूं। आपने अगर कोई मोबाइल लेना है ना तो दुकान वाले की कहते एक गवाह लै वो ऐसा है या मैं चलो बैंक जो कर्जा लो फिर तो गवाह लाओ ना बैठा या नहीं लोन लेना जब तो वो पता की पूछते हैं भाई इन्हें किश्त ना ना दिखा तो तू देनिया नहीं गुआ कहते ठीक है जी तो जे जिन्हें मोबाइल लिया जो पैसे ले नस गया ना गुआ किश्त भरेगा आपका गुआ खुदावन है। अगर तुसी नस गए तो बंदा भी आके खुदावन चंगी बीवी दिखती आ चंगा तोहफा दिता मैं अगर शोहर तोहफादारी नहीं कर रहा तो फिर भी बीवी कहेगी खुदावन मैंने ये दुआ तुझसे मांगी थी तो सारी जिंदगी जहन्नम जैसी जिंदगी हो जाए बल्कि खुशी महसूस कर। मैं जल्दी जल्दी दो चार गुजर ग्रहण के कोड है नबी के चाहूंगा वो भी हम उन कोड में कहते शादी एक मजबूत रिश्ता है असी इन सब तो कमजोर रिश्ता बना दिता शादी एक मजबूत बड़ा मजबूत एक मजबूत रिश्ता है क्योंकि दो से एक बनते हैं। हालेलुया 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 ये खुदा की मर्जी है। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है बाकी सारा कुछ अच्छा है पर आदम कला रहे ये भी नहीं अच्छा कि जे आदम नू नाल हवा मिल गई है कि वो फिर होर ही कुछ सिस्टम शुरू करेगा ये भी अच्छा नहीं है। वो पहचान लिखा है आदम ने फौरन पहचान लिया आज दे हाले एक ही छत के थले रहा चार चार साल जिंदगी गुजर जाती है बंदा जनानी भी पहचानता जनानी बंदे सबब क्या है हम उसको वो अहमियत नहीं देते बीवी को शोहर की अहमियत का अंदाजा हो और शोहर को बीवी की कदर जो तो दोनों रिश्तिया की पहचान हो जाएगी ना फिर स्यापे नहीं पहन लगे मोहब्बत होगी घर से लोग थोड़े घरानियों साल देंगे ये नहीं आखन गए फिर कबर खुशी कहन के मैसेज डीलर को कलाम तो है ही है वो भाई इन्होंने को प्रैक्टिकल भी गल है यह प्रैक्टिकल भी बड़ा करते हैं मोहब्बत मजबूत रिश्ता। और दूसरी बात बीवी अपने शोहर के लिए अच्छे बर्तनों का इस्तेमाल कर हुंदा की है आम जो बंदा भी आया ना कच का गिलास तो जो बंदा आ जाए ना उन्होंने गिलास हो जाए जिसे चार चिब पड़े हो मूंह के तुम घर के ही होना खैर है तुम पीरो जब चाह देखिए दूजे मूंह लियाओ सैट जरा मैं आता सी ऐसे हूं खैर है घर गल है घर की है कप नहीं लो जी डुंडी टुटी है ना पीओ
ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਾਕੀ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ ਇਹ ਬਾਤ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਨਬੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਕੇ ਲਈ ਅੱਛੇ ਬਰਤਨ, ਵੋ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਬਚਾਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵੋ ਆਪਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਬਾਤ, ਬੀਵੀ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਕੇ ਲਈ, ਔਰ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾ ਤਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਲੇ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ੋਹਰ ਬੀਵੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਸ਼ੋਹਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਆਮੇਨ। ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਇਆ ਪਰ ਫਲਾਣੀ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਪੀਲਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੋਤਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਮ ਦੋ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਪਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਤਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ, ਆਪਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਤਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਕੀ ਬੀਵੀ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਕੋ ਪੁਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਕੇ ਸ਼ੋਰ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਕਰ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਔਰ ਇੱਕ ਔਰ ਵੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੇ ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਛੜਾਉਣ ਜਾਂ ਮਨਾਉਣ ਤੋਰ ਜਾਣਾ, ਆਉਂਦੇ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਕੀ ਬਾਤ ਮਾਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਾਨੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੋਚੇਗੇ ਚੰਦ ਲਵੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀ ਬੰਦਾ ਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਧੂਆਣੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਬੜੀ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਵੋ ਯੂਨਿਟੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਬੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਜਬ ਸ਼ੋਹਰ ਘਰ ਮੇ ਆਏ ਤੋ ਬੀਵੀ ਜੋ ਹੈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਉਸਕਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਐ ਆਖਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੱਬਿਆ ਉਸਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸਕੋ ਅੱਛਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇ। ਨਬੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਸੀ ਚੋਰ ਬਾਤੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਮੁਹੱਬਤ ਸੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇ। ਆਪਕਾ ਮੈਨੇ ਬਤਾਇਆ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਆਪਕਾ ਲਹਿਜਾ ਬੜਾ ਨਰਮ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੇ, ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੋ ਕੇ ਲਈ ਖਾਦਮੋ ਕੇ ਲਈ ਜੋ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਲਿਖਾ ਹੈ ਜਬ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਖੁਦਾ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੋ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖੋ ਔਰ ਤਮਾਮ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਗੋ, ਜਬ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੀ ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਮੈਮ ਜੀ ਮੈਡਮ ਤੇ ਘਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਉੱਥੋਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਪਕਾ ਲਹਿਜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਆਪਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਆਪਕੇ ਬੱਚੇ ਉਸਕੋ ਫਾਲੋ ਕਰੇਗੇ, ਪਿਕ ਕਰੇਗੇ ਉਸਕੋ, ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੋ ਜਬ ਸ਼ੋਹਰ ਕਾਮ ਪੇ ਜਾਏ ਤੋ ਬੀਵੀ ਦੁਆ ਕਰੇ ਉਸਕੇ ਲਈ, ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਾਦਮ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਘਾੜ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਦਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਨਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਗਈ, ਮਨਾਦਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ, ਖੁਦਾ ਕੇ ਲੋਕੋ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਖਾਦਮ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬਖੂਬੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਆਪਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਵਰ ਆਤੀ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚੰਦ ਮਖਸੂਸ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਈ ਹੈ, ਅਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
जिसे लिखा है ना, जब दो मुतफिको होकर कोई चीज जमीन पर बांधे आसमान पर बंध जाएगी, वो खादम तो है मियां बीवी भी हो सकते हैं। जब मियां बीवी मुतफिक होकर किसी काम के लिए दुआ करते हैं, बंदा इधर जाता है, बीवी इधर जाती, फिर कहे काम होने, फिर आसमान का दूर देगा थले भी कुछ नहीं देने। मोहब्बत एक होकर मुतफिक होकर मोहब्बत के साथ। और आखिरी बात, आज कोई किसी किताबेदारी नहीं करता, ना पुलिस की पास्टर की, ना अवाम अपने सदर की वजीर आजम की, ना कोई और। एक चीज मजबूर कर देती है ताबेदारी करने पर, और वो मोहब्बत। हालेलुया। मिसाल के तौर पर मैं जेलम से जब आया, वो वहां जो मुझे रिसीव करने वाले थे, तीन चार घंटे उधर स्टेशन पे बैठे रहे, गाड़ी लेट थी, वो बैठे रहे। उदाहरण में सारा ऐ ताबेदारी यार, नहीं तो छड़ के भी जा सकता, आप ही आ जाएंगे, इंतजार थोड़ा सीता दो घंटे। बीवी शोहर की ताबेदारी क्यों? मोहब्बत है, मोहब्बत है। आप ही बात करूंगा अब इसका हासरे कलाम क्या है। यहां पर कोई भाई माली का काम करते हैं? अच्छा, जेड़े दरख्त के फलों के अंदर कीड़ा लगा हो की करते? मैंने जहां तक सीखा है जड़ा नरम करी जो करते हैं तो उसे चूना बांधते हैं। एग्री है मेरी बात? हां, केमिकल चूना, ये भी एक केमिकल है। क्यों? अच्छा, कीड़ा फल में हुए, फल से कुछ चूना शूना केमिकल लाना चाहिए। फल के अंदर है, अमरूद को देख ले, सेब को देख ले, आम को देख ले, बाहरों ठीक है, अंदर कीड़ा लग रहा है। सबब क्या है? दरख्त की जड़ों में कीड़ा, दरख्त की जड़ में कीड़ा। अच्छा, कीड़ा जड़ जब इंतजार कितने होंगे फलाश? आपकी लड़ाई, आपकी जुदाई, आपकी दो दो चार चार साल की नाराजगियां, आपके फलों में कीड़ा। कोई बेटा निश्चयी हो गया, कोई शराबी हो गया, कोई मोड़ तक लोता है, कोई बेटी वाला हो गई, उसका रीजन क्या है? दरख्त नहीं थे, दरख्त की दुरुस्ती करने की जरूरत है। दरख्त की जड़ा के कलाम का केमिकल पान की लोड़ है, और वो खुदा के कलाम का केमिकल क्या है? मोहब्बत। वो केमिकल क्या है? मोहब्बत। अगर मियां बीवी में मोहब्बत होगी, बच्चे अच्छे पढ़े, बच्चे अच्छी पोजीशन पर जाए, उनके अंदर मोहब्बत होगी, वो बड़ों का असर लेंगे कि मेरा बाप ने कभी लड़ा नहीं, मेरे बाप ने कभी मेरी मां को मारा नहीं है, मेरे बाप ने कभी मेरी मां को गालियां नहीं दी, मैंने भी नहीं करी। वरना ये सिलसिला चलता रहे। बाप ने बेटे को, वो कहते हैं ना यहां पर बुजुर्ग हजरात बैठे हैं कि बल्ले तो बल्ला ना हो, मत्थे खुली जरूर होंगी, अगर सेम आदत ना हो ना, दो चार आदत होंगी ना, कितने ही अपने प्यो के कहते प्यो भी छोटे होते हैं, करते बदलते। बीवी को जरूरत है यीशु के हुजूर घुटनों के बल बैठने, शौहर को जरूरत है अपनी गलतियों का इकरार करने, दोनों को लाजम है। आज खुदा से कहे बंदे के साथ ना करे सामने, खुदा मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी बीवी को लिखा है, जो कोई अपनी बीवी पर जुल्म करता। आज सोचिए, क्या शोहर में गलती है, बीवी में गलती है, दोनों में किसी में भी हो सकता? आज खुदा के जोर, खुदा के कलाम के रूप रूप आज करार करें कि खुदा मैंने एक मसीही फैमिली, एक मसीही जोड़ा, एक रास पास खुदा ने जिंदगी
راستبازوں کی اولاد بھی راستباز ہوگی. اگر آپ میاں بیوی کے اندر محبت ہے آگے اولاد میں چھوٹی چھوٹی یہ لوگ جو خبر کرتے محبت کے ساتھ بیوی کے ساتھ بات کرتے بیوی تابے داری کے ساتھ بندے کے ساتھ بات کرتے یقین جانے آپ خود کہیں گے کہ واقعی اس کلام نے میری زندگی میں بڑا سکتا. ضروری نہیں ہے اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں, خاتون میں بھی ہو سکتی مجھ میں بھی کبھی ہو سکتی, لیکن آج خدا کے پاک نام کے پڑھے اور سن جانا.